नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरजे टेक्निक्स पे। और मैं आज आपके फ़ोन के दो ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपके फ़ोन में हैं और काफ़ी यूजफुल फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकॉन को दबाकर सेंड मी नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके उसको सेव कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो मैं नए अपडेट करूँ। तो पहला जो यूजफुल फीचर था वो है स्क्रीन पिनिंग का। जी हाँ, स्क्रीन पिनिंग का आप सिंपली सेटिंग्स में जाएगा, सेटिंग्स में जाने के बाद आप अपने सिक्योरिटी में जाएगा, सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन पिनिंग का, जी हाँ आप उसे एनेबल कर दीजिएगा। जी हाँ, एनेबल करने के बाद आप सिंपली अपने फ्रेंड को अगर यूसी ब्राउजर में फेसबुक करना देना चाहते हैं और वो यूसी ब्राउजर में अपना फेसबुक छोड़कर आपके फेसबुक ऐप को या व्हाट्सएप ऐप को देखने लगता है, आपके पर्सनल मैसेज को पढ़ने लगता है, तो ये ना हो इसके लिए ये फीचर्स है ऑलरेडी हमारे फ़ोन में दिया रहता है, हम लोगों को पता नहीं होता है। तो सिंपली आप उसे यूसी ब्राउजर पर ही लॉक कर सकते हैं। जी हाँ, आपने ऐसे उसे यूसी ब्राउजर लॉक खोल के दिया। जी हाँ, उसके बाद आप सिंपली आइकॉन बटन को दबाइएगा। आइकॉन बटन को दबाकर उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर देखिएगा हरा कलर का एक पिन का ऑप्शन देता है। जी हाँ, हरा कलर का एक पिन का ऑप्शन देता है, आप उसे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद गॉट इट पर क्लिक कीजिएगा, देखिएगा वो यूसी ब्राउजर पर ही लॉक हो चुका है। जी हाँ, उसके बाद देखिएगा आपका नोटिफिकेशन बार भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो आपका कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, केवल यूसी ब्राउजर पर ही आप वो नेट कर सकता है, कुछ भी एक्सेस कर सकता है केवल यूसी ब्राउजर पर। तो सिंपली यहाँ से एग्जिट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बैक बटन और होम बटन को दोनों को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्क्रीन एक बार पासवर्ड मांगेगा। जी हाँ, एक बार पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मांगने के बाद देखिएगा आप होम स्क्रीन में आ गए हैं। तो काफ़ी अच्छा और यूजफुल तरीका है, ये हमारे फ़ोन में दिया रहता है, हम लोग में से कईयों को इसमें इसका पता नहीं रहता है। तो जो दूसरा फीचर था उसके लिए आपको सिंपली अपने गूगल ऐप में जाना पड़ेगा। जी हाँ, गूगल ऐप में जाने के बाद आप सिंपली सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आप सिंपली स्क्रीन सर्च में जाएगा। जी हाँ, स्क्रीन सर्च में जाकर आप इसे एनेबल कर दीजिएगा। जी हाँ, एनेबल करने के बाद आप जैसे ही ये फेसबुक व्हाट्सएप कुछ भी यूज़ कर रहे होंगे, जैसे फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो फेसबुक यूज़ करते करते आपको अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ मिला जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जैसे ये रहा, तो इसके बारे में आपको जानने के लिए आपको सिंपली अपना होम बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा। जी हाँ, आप प्रेस करके रखिएगा, गूगल ऑटोमेटिकली आपको सर्च करके बता देगा जो वो किसके बारे में वो वीडियो है और ये कहाँ से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर न्यूज़, इमेजेस, फेसबुक, गूगल, तो ये सब बता देता है, पूरे डिटेल्स दे देता है, कहाँ से ये क्या कहाँ से उठाया हुआ है, किसके बारे में ये वीडियो दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा और यूज़फुल तरीका है, जैसे जिसके बारे में आपको पता ना हो, जैसे इंस्टाग्राम अगर आप खोजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के बारे में आपको पता नहीं, तो यहाँ पर काफ़ी यूज़फुल तरीका है। आप यहाँ से सिंपली आप YouTube पे भी जाइएगा, YouTube पे भी कुछ सर्च कीजिएगा, यूसी ब्राउजर में आपको जिसके बारे में पता ना हो आप सिंपली होम बटन को प्रेस करके आप उसे गूगल से पूछ सकते हैं जो ये सब क्या है। तो काफ़ी ये सेकेंड यूजफुल तरीका और काफ़ी अच्छा तरीका है। तो आशा करते हैं आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।